अलीराजपुर के रंजीतगढ़ गांव में तालाब में डूबे युवक का शव 40 घंटे के रेस्क्यू के बाद शनिवार को मिला। दरअसल मृतक युवक पर इंदौर भोपाल में लूट डकैती के 4 केस दर्ज थे। गुरुवार रात पुलिस ने युवक का पीछा किया तो उसने बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। परिजनों की शिकायत के बाद तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। शव मिलने के बाद गुस्साए परिजनों ने जोबट थाने के बाहर हंगामा कर दिया। परिजनों ने बाघ थाना पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और दोषी पुलिसकर्मी पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल भी परिजनों के समर्थन में और सरकार से 50 लाख मुआवजे की मांग की है। करके ग्रामीणों ने बताया और वो मुकेश जो कि आज मिला 48 घंटे के बाद में मिला और वो वहाँ तालाब में डूब गया था, जो कि पुलिस के खिलाफ आज हम यहाँ जोबट थाने पे धरना दिया क्योंकि उनके खिलाफ 302 का मुकदमा किया जाए ताकि दोषी लोगों को सस्पेंड करके तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए। और मैं मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि 50 लाख रुपये के इस परिवार को, पीड़ित परिवार को जो कि एक 4 माह की बच्ची है, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये करके